अल्लमदिल्लामिनशैदा रज़ीम बसमिल्लर अल्हदिल्लबिलमीन असला तोल्लम अला सदनावनबीना व तबीब नफुस नाबिलकासम महम्मद मिला तबीनः ताहरन अमासूमीनमंतजबीलमतबीन

ولكل وِجْهَةٌ هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. فمن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه وإنه لحق لحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منكم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلْأُتِمَّ نعمتي عليكم ولعلكم تحتذون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم

और हर रोज़ अपने आजजी का इकरार करते हुए कि क़ुरान मजीद की मतलक़ ये कहना कि सौ फ़ीसदी मैं भी समझता हूँ और आपको समझा सकता हूँ तो ये बहरहाल गलत बात होगी जो मुख्तर सी बातें मैं समझा और मैं भी उन उनबरान अजीम जो कुरान के साथ मम्म बनकर आए हैं उनकी बातों से जो बात मैं समझा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मुझे उम्मीद है कि आलमीन मुझे भी उन लोगों में से शुमार फरमा लेगा जो उसके कलाम पे ग़ौर फिक्र के लिए टाइम निकालते हैं और आप सामीनों नाजरीन को भी उन लोगों में से शुमार फरमा लेगा जो कुरान मजीद का हक तो अदा नहीं होता लेकिन कम से कम किसी हद तक इस शिकायत के इज़ाले की कोशिश करते हैं कि क़ुरान मजीद पे गौर नहीं किया क़ुरान मजीद इसलिए नाजिल हुआ है कि हम पढ़ें और समझें इसकी असली बरकत यही है कि हम समझें और उस पर अमल करें बरक़ात क़ुरान मजीद सही मानों में यही हैं लेकिन बहरहाल कुरान मजीद की जीारत करना सवाब, कुरान मजीद को हाथ लगाना सवाब, मोहब्बत से उठाना सवाब, चूमना सवाब, हर वो फेल जो एहतराम कलाम पाक के में हो वो काम सवाब है लेकिन जो असली सवाब है वो इसमें गौर वफिक्र करना है इसकी हिदायत को सुनना है इसकी हकायात को सुनना है ताकि हम वैसे न बने जैसे वो लोग थे जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ और हम उन लोगों की तरफ़ बढ़ें उनके पीछे पीछे चलें जिन पर अल्लाह ने इनामत फ़रमाए और यही दुआ हर बंदा मोमिन बंद मुस्लिम रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हुए सुरह हमद की तिलावत करते हुए वो मांगता है कि हमें हिदायत फरमा इन रास्तों की तरफ उन लोगों के रास्तों की तरफ कि जिन पर रिजात ने इनाम फरमाया है तो इस दुआ के बाद क़ुरान मजीद खोलना ज़रूरी हो जाता है कि उन लोगों को तलाश किया जाए कुरान मजीद से कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया और उन लोगों को भी तलाश किया जाए कि जिन लोगों पर अल्लाह नाराज़ हुआ ताकि हम उनके उन कामों से बच जाएं कि जिनकी वजह से उन पर अल्लाह नाराज़ हुआ है चूँकि अल्लाह किसी पर एज ए इंसान नाराज़ नहीं होता अल्लाह अगर किसी पर नाराज़ होता है तो उसके सोच यानी अकीदा और अमाल की वजह से नाराज़ होता है ग़लत अकीदा ग़लत अमाल की वजह से नाराज़ होता है और अगर किसी पर खुश होता है तो किसी का चेहरा मोरा देख कर नहीं किसी की नस्ल की वजह से नहीं बल्कि खुश इसलिए होता है कि इसकी सोच वही है जो मैंने कहा ऐसे सोचो और उसका अमल भी उसी डायरेक्शन में है जो मैंने अपने हबीब के जरिया और अपने हबीब के आल के ज़रिया इन तक पहुँचाया है तो इसलिए हम हमें हर सूरत में कुरान मजीद की तिलावत के लिए टाइम निकालना चाहिए बल्कि ये हमारी रोज़ की मेडिसन है कि अगर हम रोज़ाना यही कुरान मजीद की टेबलेट लेंगे तो हमारे डायरेक्शन सही रहेगी अगर किसी वक्त भी हमने छोड़ दिया तो मुश्किल है कि हम बड़ी बड़ी बीमारियाँ जो हैं कुफ्र है बेमानी है निफाक है उससे बच सकें अगर हम ये कुरान मजीद की डोज़ लेते रहे तो इन रब करीम भी मेहरबान है कि कुरान मजीद से हिदायत देने वालों को खुसूसी मदद फ़रमाता है कि वो गुमराही से बचे रहें लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो हैं अपने जो पहले से माइंड बना होता है उसके मुताबिक अपने उस माइंड के लिए कुरान मजीद से कोशिश करते हैं कि कुछ निकाल कर उसको सही साबित किया जाए ये दुरुस्त नहीं क़ुरान मजीद किताब हिदायत है इसके हिदायत पे अमल किया जाए इस पर सोचा जाए और इस पर अपनी सोच को मुसलत न किया जाए बल्कि इससे जो मिले उस पर चला जाए तो बात चल रही थी दूसरे पारे की इब्तदाई आयात हैं और शुरह बकर की आयात हैं जिसमें इज़्ज़त ने उम्म मुस्लिम को एज़ाज़ फरमाया इकराम उनको दिया कि तुम उम्मत वसत हो लेकिन इसमें गुफ्तु रही पिछले प्रोग्राम में कि उम्मत वसत क्या मिन है हैसलम सारी की सारी उम्मा है या कुछ मखसूस लोग हैं जो वाकई उम्म वसत बन सकते हैं और जिनकी ताबेदारी में जब उम्मत चलेगी तो उम्मत उम्मत वसत बनेगी चूँकि दो चीज़ों का ज़िक्र है इसमें पहले तो इरशाद फरमाया कि बहुत वाज इन आयात में इरशाद फरमाया कि अगर इंसान इस पर गौर व फ़िक्र करे तो बात जो है बहुत वाज़ और खुलकर सामने आ जाती है नेमात का तजकर फरमाते हुए ब कदाल जल्लाकुम उम्मतम वसता ले शुहदा अन्नासता ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो लोगों में जो उम्मत के अफराद हैं वो भी आते हैं और दूसरे लोग भी आते हैं और रसूल तुम पर गवाह होगा एक और करने की बात है इसमें मैं तशरी कर चुका हूँ जो सोच समझ सका कि ये सारी उम्मत तो बन नहीं सकती इसलिए कि इस वक्त अगर ख़ुदा ने इसको उम्म, दुनिया के दीगर इंसानों पर गवाह बनाया है तो फिर आज तो इसकी अपनी हालत जो है वो ये नहीं कि वो दूसरों पर गवाही और दूसरों पर निगरान गवाह और निगरान के दोनों मीनिंग जो हैं वो एक तो निगरान भी है और एक जो है वो गवाह भी है वो नहीं बन सकते कोई आदमी ख़ुद भी अपने ज़मीर की तरफ़ देखे अपने गरेबा की तरफ़ देखे हर उम्मत का फ़र्क तो वो कहेगा कि नहीं इससे हम मुराद नहीं हैं। लगता है कि इससे कुछ ख़ास शख्सियतें मुराद हैं जो इसी उम्मत में हैं पैगम्बर अक्रम की उम्मत में हैं पैगम्बर अकरम उन पर गवाह हैं और वो लोगों पर गवाह हैं और निगरान हैं लोगों के अमाल के साथ लगता है उनका खसूस ताल्लुक है इन अमाल उनके खिदत में पेश होते हैं रसूलुल्लाह के खदमत में पेश होते हैं गवाही तभी कबूल है गवाही तभी जो है वो काबिल अमल है तो हर आदमी जो है वो इस तरह नहीं है अलबत ये बात ज़रूर है कि इसमें मुत्तफ़क अल मसला है कि ये मसले इमामत या उम्मत की इमामत बयान फरमा रहा है या कुछ मखसूस लोगों की इमामत का तस्करा है मगर इस वज्लाकुम उम्मन वसतल तकून शहदा अन्नास इससे बिल्कुल बात मुतवलए है जैसे कि मैंने उस दिन उसर्सगी कि हमारे बुज़ुर्ग इस्लाम में से बहुत से बुज़ुर्गान ने इसका तस्कर फरमाया है कि इसमें इससे मुराद यह है कि उम्म मुसलिम को अल्लाह तआला ने उम, इमामत अता कर दी है अब जाहिर है कि सारी उम्मत तो इमामत इमाम बनने से रही ये तो मानना आसान है कुछ लोग मुराद हैं जिनकी वजह से जिनको फॉलो करते हुए उम्मत के वो अफराद जो उनकी तबेदारी करेंगे वो उम्म वसत के मुस्क बन सकते हैं बरल अब अपने अपने अंदाज़ से कोई किधर ले जाएगा किधर ले, जाए। ले जाए लेकिन इससे मुराद यही है कि वो लोग जो ख़ुद भी इंसाफ़ पे कायम हों और दूसरों को भी इंसाफ़ पर कायम रखें एक बैलेंस भी कर सकें अगर ख़ुद करेंगे तो दूसरे कैसे कहेंगे कि आप साहब आप खुद कर रहे हैं और फिर हमें आ, कहते हैं कि आदल के दर्श देते हैं नहीं उम्मत वसत बनने वाले वही अफरा हो सकते हैं जो खुद अदलानाशाफ करें और अपने साथ रहने वालों को भीदुल सिखाएँ और उसके बाद जो है वह लोगों पर आदलानसाफ़ की तरफ रहनुमाई करें आदलाना निज़ाम की तरफ रहनुमाई करें यही वो तरीका है जो यही वो अक्ल इसी बात को समझता है बहरहाल और इसमें बहराल मासूमी ने आयम मासूमी आसलम ने अलवैत में से रसूल के अलैत में से अम्म फरमाया कि वो उम्मत वसत हम हैं रसूल हमारे ऊपर गवाह हैं और हम इन लोगों पर गवाह हैं बहुत सी दीगर आयात भी हैं लेकिन बहरहाल हर आदमी अपने तौर पर सोचे और ग़ौर वफ़िक्र करे इस आयत पर ताकि उसको सही रहनुमाई मिल जाए अगर वो दिलो दिमाग को ज़रा ख़ाली करके ताबादात से ख़ाली करके वो अगर इस पर ग़ौर विक्र करेगा तो उसको समझ आएगी कि ये सारी उम्मत नहीं हो सकती इसमें एक ग्रोह है और उस ग्रोह का उस उस ग्रोह के लिए हज़रत हज़रत इब्राहिम ने भी दुआ मांगी थी कि उम, आ, मेरे अल्लाह मेरी एक तो हमें दोनों बाप बेटों को मुसलमान बना और दूसरा मेरी जरूरीत में से उम्म मुसलिम बना यानी ये दुआ भी बिल्कुल इसमें जब पहली आ, पहले पारे में गुजर चुकी हैं जहाँ हजूर के लिए दुआ मांगी हज़रत इब्राहिम ने बसमल रहीम वन हंड्रेड ट्वेंटी नाइन और वन हंड्रेड ट्वेंटी एट ये दोनों आयतें खाना कहबा के बुनियादों को खड़ा करते हुए हज़रत इब्राहिम ने जो दुआएँ मांगी हैं उनमें एक दुआ ये मांगी है कि एक तो हम दोनों को मुसलमान बना तेरे लिए मुस्लिम हूँ तेरे सामने सबनसब हूँ और उम्म मुसलिम भी बना इससे वही सारे हम लोग गुनहगार मुराद नहीं हैं जो हज़रत इब्राहिम हम जैसे गुनहगारों के लिए यानी ऐसे लोगों के लिए कि ऐसे मुसलमान मिल जाएँ कि जो कभी बात माने कभी ना माने कभी सुने कभी न सुने ऐसी दुआ हज़रत इब्राहिम नहीं मांग सकते थे हाँ बहरहाल ये है कि उन्होंने दुआ मांगी कि जैसे हम मुसलमान हैं ऐसी उम्मत मुसलिम बना बहरहाल वो दूसरा तो कोई नहीं हो सकता बहरहाल आ, ये बात ज़ाहिर है कि अगर कोई कहे कि मैं हूँ उससे तो गलत फिल्म मुबला हो गया ऐसे वही हस्ती मुराद हैं जिनके मतलब बैगमरा करबन शरमाया मैं इनसे हूँ ये मुझसे हैं और इनका दोस्त मेरा दोस्त इनका दुश्मन मेरा दुश्मन ये मेरे अहलबात हैं और जिनको बारह इमाम कहा जाता है वही हस्ती मराद हैं उसी तरह उम्मत वसत समझ आने वाली बात है कि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता अगर हम अपने हालात को देखें तो ये आजकल की जो उम्मत मौजूद है क्या ये उम्मत वसत है यानी कोई भी नहीं कहेगा क्या यही उम्मत है अस्तफर मैं अच्छा नहीं है इसको दोहराऊँ अल्लाह ने कहा जिससे देख कि शर्माए यहूद मतलब कहने का ये है कि कम अज़ कम कोई बात होनी चाहिए उम्मत वसत वो हो जो पैगम्बर अक्रम की कदम ब कदम चले और फिर उम्मत दीगर अफराद जो हैं अन्नास वो उनको फॉलो करते हुए उम्मत वसत बन सके बहरान यहाँ शायद फरमाया आज के हिस्से में के और ये ख़ाना काबा की तब्दीली की रीज़न बताई गई कि ये तब्दीली इसलिए है कि तुम एक अलहदा उम्मत हो और उम्मत वसत हो ये एज़ाज़ भी हमने तुम्हें दिया कि खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो ये तो सारी उम्मत के लिए जो नमाज़ पढ़ने वाला है सारी उम्मत ने पढ़ना है और ऐसी नमाज पढ़नी है जो उम्मत वसत जैसे पढ़ती है और जिस तरह पैगम्बर ने उम्मत वसत को सिखाया है यानी उस गुरो को सिखाया है जो हमारे ऊपर गवाह है उसके बाद आज जो वन फोटी एट नंबर आया तो उस फरमाया कि हर एक के लिए कुल वे कुल्लम विजय हो मल्लिया फसा बिकुल ख़ैरत इस बाहस में ना पढ़ो वो क्यों था अब क्यों बदला पहले हम उधर पढ़ते रहे बाहर मुसलमानों को ये कहा गया कि हर एक के लिए हमने एक डायरेक्शन मुकर की थी अब आप के लिए जो डायरेक्शन है वो हमने मुकर कर डाली है हो मोबल्लिया वो अल्लाह फिर देता है उस तरफ तो आपका काम है बस इस हुक्म की ताद करो पहले आप बैतुल मुकद्दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे तो कोई मसला नहीं वो सारे की सारी नमाजें भी सही थी चूँकि हमारे हुक्म के मुताबिक तुमने पढ़ी और अगर पहले यहूद को हमने वो किबला करा उनका किबला करार दिया तो वो भी हमने करार दिया और ये भी हमने करार दिया है लिहाजा तो तुम्हारा अब काम यह है कि फंसा पिकल खैरात जो तुम्हारी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं उस तरफ और खैर खैर अमल खैर की तरफ अमल साले की तरफ तुम कदम बढ़ाओ इसी बिना बैठे रहो कि ये बास जी क्यों हुआ किबला क्यों बदल गया पहले उधर थे अब क्या होगा कुछ भी नहीं ये तुम्हारा तुम्हारे डायरेक्शन है और तुम एक अब रसूल ग्रामी और इन सारे तुम्हारा अपना किबला है इसकी वजह से तुम एक अजीम उम्मत बन गए हो और तुम इमामत की ज़िम्मेदारियाँ उम्मत वसत के ज़रिया तुम तक पहुँच रही हैं और तुम उम्मत वसत के ताबे हो बहरहाल और तुम जहाँ भी हुए एनम एनमतकुन यात्रा जमिया जहाँ भी हुए अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर देगा एक वक्त आना है कि तमाम मखलूक ने बहरहाल एक जगह जमा होना है इसमें यह भी हो सकता है कि एक वक्त आएगा कि सारे के सारे एक कबल की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे आने वाला है वक्त वो भी आने वाला है समझ आने वाली बात है बात किबले की हो रही है कि और ये भी एक बात है और इसमें एक मतलब एक और भी निकलता है जिसको मासूमी ने बयान फरमाया है कि जब हमारे कायम ज़ायर होंगे और ज़हूर फरमाएँगे दुनिया के कोने कोने से उनके मानने वाले जो हैं उनके शीय जो हैं जमा हो जाएंगे बात मुश्किल नहीं है अल्लाह के लिए वो बात हो तो भी मुश्किल नहीं होने वाली है कि जहाँ भी जिधर से भी जिधर से भी जो हैं वो अल्लाह तआला जो है वो आ, आप होंगे तो खुदा जो है वो आपको इकट्ठा कर लेगा ये क़यामत के रोज़ की बात हो तो भी ठीक है या ये है कि एक वक्त जो है वैसे भी आने वाला है कि तमाम इंसानों ने एक ही किबले की तरफ मोह करके नमाज़ पढ़नी है जब इस्लाम गालिब हो जाएगा जब लोग जो हैं वो जब कोई दूसरा शिर करने वाला नहीं रहेगा और जिसमें सूर्य कसस मरशात फरमाया वन मनु अल्लाह ने वादा फरमा लिया है और वह अपने वादे खिलाफ वर्दी नहीं फरमाता एक तो उन्हें अपने जो है वो दीन पर तमकीन देगा वो चलेंगे और दूसरा ये है कि वो आ, आ, उनको कुदरत देगा इस ज़मीन पर कभी भी वो आ, वा, इस वादे को आ, कोई कोई मुशरक नहीं रहेगा वो जो कुरान मजीद ने वादा फरमाया है वो पूरा होगा और उस वक्त तमाम लोग एक किबल की तरफ होंगे ये एक किबल की तरफ भी मुकरना इसमें समझ आती है वक्त आएगा हो जाएंगे सारे और दूसरा ये है कि क्यामत के रोज़ भी सबको इकट्ठा कर लिया जाएगा और तीसरी बात इससे समझी जा सकती है कि जब आखिरी हजत जो है मंद मताल की तरफ से वायर फरमाएँगे तो सारे के सारे जो हैं कम अज़ कम इब्तदा में जो तीन सौ तेरह की तादाद हमें बताई गई है वो तो फ़ौरन इमाम को ज्वाइन कर लेंगे दुनिया जहाँ के कोनों से और साथ ही साथ जो हैं वो दूसरी चीज़ भी इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तमाम के तमाम ये भी दोनों अहदीस मिलती हैं खाली तीन सौ तेरह नहीं बल्कि सारे के सारे इकट्ठे वो तो कमांडर होंगे उसके अलावा भी सारे के सारे जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे बात तो यह समझ आने वाली है लेकिन अगर कोई नस न मानना चाहे तो बेशक न माने दो बातें तो कम अज़ कम उसके लिए मसला नहीं है कि क्या मत करो सबको इकट्ठा फरमा लेगा खुदा के लिए कोई मसला नहीं और इसी तरह जो है वो एक वक्त आएगा कि सब लोग एक किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे होंगे इलाकिल्शा कदिर अल्लाह रबालम हर चीज़ पर जो है मुखिर है फिर हुक्म तो होता ग्रामी गिरामी सल्लम को भी और फिर मुसलमानों को भी वह महासो ख़रज था फवल वजह का शतरमस्शद हराम जहाँ भी तुम हो मदीने में हो तो या बाहर मदीने से कहीं से भी हो जहाँ से भी तुम निकलो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो व नहूलक को मब्बिक ये ते रब की तरफ से हक़ है ये फ़ैसला फ़ाइनल है कोई ये ना सोचे कि इसमें तब्दीली आ जाएगी ये हक है और सच है इस पर सब को कैम रहना चाहिए ये उमल गाफिल्मा तमलू और जो कुछ तुम करते हो उससे अल्लाह गाफिल नहीं है इसी बात को दोहराते फिर शाद फरमाया अमिन है ख़राज तफमल वजर आलम सदराम तुम जहाँ से भी निकलो तुम अपने चेहरे को मस्ज हराम के डायरेक्शन में कर दो वह कुम शतरा और अब तमाम को खिताब है तुम के तुम सब के सब जो हैं जहाँ से भी तुम निकलो और जहाँ भी तुम हो कुम शतरा तुम अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो अलैकुम हुज्जा ताकि लोग तुम्हारे खिलाफ हजत न कायम करें अब तक हजत कायम करते रहे अगर अब आप शश व में रहे तो कहेंगे पहले कहते रहे कि आप हमारे किबल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं फिर अभी आपने दूसरी तरफ कर लिया तो उस उससे बातें बना रहे हैं अगर आप डबल माइंडेड रहे तो लोग कहेंगे कि हक कमाल है कि आपके जो है वो लिहाजा लोगों की बातें भी बंद हो जाएँगी और आप अपने डायरेक्शन को खुदा के हकूक के मुताबिक सही रखें दीना म उमिन हम हाँ वो लोग जिन्होंने या उनमें से वो अलबत्त इससे बाज नहीं आएंगे कट हो जुती से फ़ला तख्शो हम बख्शोनी तुम उनसे न डरो मुझसे डरो यानी उनकी ता, उनकी जो है वो क्रिटिसिज्म उनकी तनकीद उनकी बातें उनसे न डरो जो मैंने कहा है वो करो मुझे नाराज़ करने से बचो और मेरी नाफरमानी करने से डरो मैंने कह दिया है तो मेरी नाफरमानी नहीं होनी चाहिए कम से कम जो कलमा पढ़ लेता है उसके डायरेक्शन यही है और कलमे के बाद जहरा की नमाज वाजिब हो जाती है अब हज वाजब होता है इन मतलब कहने का रोज़े के मैं तो, तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है नमाज़ में डायरेक्शन की होती है या हज में वहाँ जाना होता है लिहाजा अब मुझसे मेरी नफर मछ डरो लोगों की बातों से न डरो ये एक ऐसा असूल है कि जब आदमी हक को पहचान लेता है तो फिर लोगों से डर कर जो है राय हक से दूर रहना ये अल्लाह वालों की येमत नहीं है राय हक पे आ जाना डट जाना हर किस्म की मुसीबत बर्दाश्त करना जो अगली आयात इसको बयान फरमा रही हैं यही बात है कि हमें खुदा की रज़ा की तरफ बढ़ना चाहिए उसकी खुशनुदी की तरफ़ बढ़ना चाहिए नहीं है कि हम लोगों से डरते रहें और वो अल्लाह के नाराज़गी की, की परवाह न करें तो ये एक असूल है जो हर जगह एक बंद मोमिन को बंद मुसलिम को कायम रखना चाहिए कि कायन बेशक सारी की सारी एक तरफ़ हो जाए तमाम लोग एक तरफ हो जाएँ लेकिन बंद मोमिन है वो वही करेगा जो खुदा ने इरशाद फरमाया है जो वही करेगा और वही कहेगा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया खुदा की तरफ़ से वही के ज़रिए हमें बताया है और ये क्यों है जब ये सारी बातें इरशाद फरमा फरमाया नतीजे के तौर पर उतिम उतम अलैकुम अमतिकुम अलकुम तहतूम अगर तुम इस तरह डटे रहे मेरी इतात पे और अमल करते रहे तो मैंने ये सारे जो मराहल पैगम्बर को भेजा खाना कह की तरफ डायरेक्शन बदलवाई और ये अहकाम हैं ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नियमत को मुकम्मल करूँ और ताकि तुम हिदायत याफ्तर कौमों में से बन जाओ हिदायत याफ्तर रहो जाओ और आगे अरसाद फरमाया कि जिस तरह खाना कहबा की जो तब्दीली है वो भी इसी तरह है जिस तरह के हमने तो रसूल भेजा जो तुम में सी है और आयात की तिलावत तुम्हारे सामने हमारी आयात की तिलावत करता है और तुम्हें बुरे अखलाक से आ, पाक करता है तरबियत करता है तुम्हारी और तुम्हें किताब किताबिकमत की तालीम देता है और हर उस चीज़ की तालीम देता है कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं था अब ये बात जो है इस पर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है वाल तुमन अलैकुम ताकि मैं अपनी नहमत तुम पर मुकम्मल कर दूँ और तुम हिदायत याफ़्तर रहो नियमत की तकमील जो है इसमें तो नहीं पता चलती इसमें तो ये है कि तुम तम अलैकुम ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी नियमत मुकम्मल करूँ यहाँ तो बात बिल्कुल सही फरमाया और मुफसरिन ने कि इससे मुराद ये जो वजा ज अल्लाक उमतन वस्तता हमने तुम्हें उम्मत वसत बना बिल्कुल सही फरमाय से उमरा इमामत है उन्होंने सिर्फ़ उम्... उम्मत इस्लामियों को इमामत दे दी लेकिन कुरान के अंदाज़ से पता चलता है आयात से पता चलता है तफासिर से पता चलता है अहल बैत से पूछने से पता चलता है जो मल्ले में कुरान है कि इससे मुराद सारी उम्मत नहीं एक ग्रोह है जो छोटा सा ग्रोह है जिसको इसनाशर आयमा कहते हैं जो हलबैत रसूल से हैं औलाद रसूल भी हैं रसूल के इल्म के भी वारिस हैं और अगर कोई इख्तलाफ करना चाहे उसको हक़ पहुँचता है लेकिन अख्तिलाफ करे अकलोमते को भी सामने रखे कुरान मजीद की आयात को सामने रखे और साथ साथ जो है वो पैगम्बर के फराम को भी सामने रखे बहरहान एक और मकाम आता है सूर्य माहा में अगर इंसान उस पर गौर फिक्र करे तो बात उसके लिए बहुत वाजह हो जाएगी सूर्य मैदा में बिल्कुल इब्तदाई आयात में शायद फरमाया यहाँ फरमाया वाले वाले उतम नमतीम ताकि मैं तुम पर अपनी नियमतें मुकम्मल कर दूँ खाना कहों की तब्दीली हज का वाजिब होना नमाज का वाजिब होना रोज़े का वाजिब होना जिहाद का वाजिब होना ज़क़ात का वाजिब होना खुमस का वाजिब होना ये सारी बातें जो हैं वो चल रही हैं आ रही हैं नमत ऐसे ऐसे मुकम्मल हो रही है एक वक्त आता है कुरान ऐलान फरमा देता है ये आयत भी कोई सूर्य आय तीसरी नंबर आय का एक हिस्सा है अलयोम यासल्दीन कफ़रुम इन दीन गुम फ़ला तख्शव हम बख्शवनी वही अल्फाज जो यहाँ अर्षात फरमाए फ़ला तख्शव हम बख्शोनी अलोम यासल्दीन कफ़रु आज के दिन जो काफी हो रहे हैं मायूस हो गए हैं तुम्हारे दीन से मायूस हो गए हैं फ़ला तखश्शा हूँ बख्शाऊँ उनसे न डरो मुझसे डरो और फिर ऐलान कर दिया अलय अकमल तोल दीनकुम तो तोम नियमती व रदी तो इस्लाम दीना आज के दिन अरबी दान हजरात थोड़ी सी जो जानते हैं वो पता है कि अम ख़ास दिन मुराद है अलयोम अकमल तोल दी कुम अतम तोम नजी तो इस्लाम दीना आज मैंने तुम्हारे ऊपर नेमत मुकम्मल कर दी वहाँ क्या था वर उतम ताकि मैं तमाम करूँ तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत। यहाँ क्या फरमाया अल यौम आज मैंने नेमत मुकम्मल कर दी आज मैंने दीन को मुकम्मल कर दिया और नेमत को तमाम कर दिया वहाँ उतम था यहाँ आतमम तो है अल्लाह अकबर आज मैंने अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया दीन को मुकम्मल कर दिया नेमत को तमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है अब मसला बहुत सिंपल है खुदा कुरान जीत के सामने खड़े होकर रब को हाजिर और नाजिर जान कर और क्या के रोज़ मसूलीत समझ कर इससे एक दिन मुराद है जिस दिन ऐलान हुआ उस दिन को तलाश करो उस दिन को तलाश करो अगर वो दिन मिल जाता है तो देखो उस दिन को हुआ क्या कि जिस दिन ये नेमत दीन मुकम्मल हुआ नेमत तमाम हुई मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा तसब की आयन को उतार दिया जाए तो ये दिन इससे कौन सा दिन मुराद है अट्ठारह ज़िलेजा जब हजूर अपना पहल और आखिरी हज मुकम्मल करके तशीफ तशीफ़रमा रह、आ रहे थे वापस आ रहे थे मदीने की तरफ जब ऐसे मकाम पर पहुँचे जो जोफा के करीब है जहाँ से तमाम यमन वाले यमन की तरफ इराक वाले इराक की तरफ मदीना वाले मदीना की तरफ यानी वो एक किस्म का आ, जिसको कहा जाए कि मरकजी मकाम था कि जहाँ से काफ़िले इधर उधर हो जाते थे वहाँ पैगम्बर ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जो आगे हैं वापस आ जाएँ जो पीछे हैं मिल जाएँ इकट्ठे हो गए पैगम्बर ने मुखर नर्ज़ कर रहा हूँ ऊँटों का जो पलानों का एक मंबर बनाया वहाँ तशीफ़ फरमा हो गए और बहुत लंबा चौड़ा खुतबा दिया सब क़राम रोने लग गए अपनी मौत के करीब होने की खबर दी कब करीब एक मुझे अरब सुबहान तला जो है इस मिशन की तकमील के बाद मुझे बुला ले तो सबसे से तो गवाहियाँ लीं क्या मैंने पहुँचा दिया सब ने कहा कालू बुला या रसूल्लाह हाँ या रसूल्ला आपने पहुँचा दिया रोते भी रहे गवाहियाँ भी देते रहे और उसके बाद जो हैं वो बिल्कुल फैनल से जब इर्षात फरमाया एन एना अली अली कहाँ है हजदली करीब थे हजदली का बाज़ू पकड़ा और इर्शात फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला हो जिस जिसका मैं मौला हूँ उस उसका अली मौला है अब उसके बाद जब ये ऐलान हो गया तो ये आयत नाजिल हो गई अलयम अकमल तो दी कुम वम तोम नति वरतलकुमस्लाम दीना मगर इससे पहले बड़ी दिलचस्प अंदाज से शुरू होती है अलय यादी का फ़रू कि आज के दिन काफिर मायूस हो गया तुम्हारे दिन से आज तक तो ये सोचते रहे कि पैगम्बर का मिशन मुश्किल है जारी रहे इसलिए कि औलाद नरीना भी नहीं है और कोई दूसरे अंदाज से सोचता है इंसान कि पैगम्बर की ज़िंदगी तक रहेगा लेकिन आज जब अली जैसी शख्सियत को जो बिल्कुल हर सूरत में इल्म में पैगम्बर की तरह हैं हिल में पैगम्बर की तरह हैं किरदार में पैगम्बर की तरह हैं यानी अब क्या क्या चीज़ बयान की जाए जो सिफ़ात पैगम्बर हैं उनके हामिल हैं अली बिन नबी तलाम ऐसी शख्सियत को बना दिया तो अब तो काफरों को मॉयूस होना चाहिए अब जहर है कि इससे पहले आयात हैं कि मुर्दा जानवर जो हैं वो ना खाओ और जुआ ना खेलो जहर है कि ये बातें तो ऐसी हैं कि अगर कही जाए कि काफ़िर मॉयूस हो गया इससे काफ़िर तो नहीं बल्कि जो मुसलमान हुए थे जुआ मसल खेलने की नीयत रखते थे उनमें से कुछ अगर या कोई गलत काम करने की हराम हलाल इकट्ठा करने की तो वो मायूस होंगे काफ़िरों को इससे क्या है लगता है कि ये कुछ ऐसी बात की तरफ इशारा है कि पैगम्बर जैसा शख्स जब जो है वो वारिस बन जाएगा पैगम्बर का तो अब उनकी कोई बात नहीं चलेगी दीन इस्लाम उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन पैगम्बर जो हैं वो रखे हुए हैं तो ये है मायूसी को सिंपल समझने वाली बात है अभी किसी हदीस की ज़रूरत नहीं लेकिन वो वाक़ जो मैंने बयान किया है उसकी जो भी वजूहत लोगों ने बनाकर जो बयान किए हैं लेकिन एक बात है कि एक लाख चौबीस हज़ार के मजमे में पैगम्बर रकम शाद फरमाया साहब कराम का मजमा था और वहाँ फरमाया कि अल्योम मन गुन्त मौला फ़हाज अली मौला और फिर उसके बाद जो है वो यहात नाजिल इस यात नाजिल हुई इसका मतलब ये वो खास दिन अठारह धिलेजा जगह है और इस खास दिन को सारी उम्मत जिसको वसत कुरान फरमाया ख़ुशी नहीं मनाती ये थोड़े से मखसूस लोग हैं जिस दिन खुशी मनाते हैं इसको ईद करार देते हैं इस अठारह धिलेजा को बहुत मख्सर सा एक तबका है जिसको शेय का अनुमान दिया जाता है मुखसर तो नहीं रहा अभी बहरहाल मैंने कम अज़ कम जनरल मुसलमानों में तादाद जो हैं वो लोग अमूमन लोग जो कहते हैं ये टेन परसेंट हैं लेकिन अगर देखा जाए तो आज तो माशा ईरान इराक बहैन सऊदी अरब पूरे मिडल ईस्ट में और पाकिस्तान में और इंडिया में हर जगह जो हैं वो आ, थोड़े नहीं हैं और ख़ुदाला मजद फ तो लेकिन एक थोड़ा तबका है भारत जनरल उमत मुसलिमों में जो ये इसको ईद करार देता है तो ये आयत दिन नाजिल हुई है और हुजूर ने नेलान फरमाया था उसके बाद जो है वो खैमा नसब किया खैम नसब करने के बाद जहर के सब को कहा सब कराम को कि आप जाकर जो हैं वो सलमिन बिमरत अमीरम्न हज़तली को जाकर सलाम करो तो सब क़राम ने सलाम आल किया अमीरमिन कहकर सलाम किया और उसके बाद जो है वो उसी में एक बात मिलती है कि उमर ने भी कहा कि हजरत मरी तैन ने कहा कि असबाह त मौला मौल बखन बखन लक जब नबी तालब असबाह मौलाया मौल मोमिन मोमिना मुबारक अली जब नबी तालिब आज आ, आप हर मोमिन मोमिना के अमीर हो गए और ये अमीर का लकब खास अलैहि वसल्लम ने दिया हज़रत अली के साथ हम जो अपने आप को शिया श नशरी करवाते हैं इस लकब को हज़रत इमाम मसन के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते ये ख़ास लकब है हज़ली के साथ इस लकब को आ, जो तारीख़ पढ़ते हैं उनको पता है कि हज़रत उबकरन भी इस्तेमाल नहीं किया अपने लिए अगरचे वो बाद में हुकुमरान बन गए उधर के बाद और उसके बाद जो है वो हज़रत उमर ने भी काफ़ी देर तक इसको, इसको इस्तेमाल नहीं किया बाद में इसको, इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पहला शख्स जिसने अमीर मोमिन के ख़ास लकब को अपने लिए इस्तेमाल किया है वो हज़रत उमर थे तो खैर ये बातें तारीख की हैं कोई कह भी सकता है नहीं ग़लत है तो हमारे अकैद में ये बात शामिल है कि हम अमीर उम्रिन सवाएँ अली अबी नबी ताल रसतम के किसी दूसरे को नहीं कहते तो आज करने का मकसद ये है कि इन आयात को मिला कर पढ़ा जाए ये आयात नंबर जो है सराह बकरा की 150 है और ये आयत नंबर तीन है इनमें जो हिस्सा है अलयोम यादिन कफ़रम दीनकुम फ़ला तखशोब बखशउुन अयो अकमल दीनकम वत्माक नमती वरदीत मेरे ख़्याल में अगर थोड़ी सी तोज्जो से इसकी तफासिर तलाश की जाए दोनों तरफ तफासिर तलाश की जाए और उसके बाद बिशक रावी में बशक की जाए बेशक उसके बाद जो है उन तफासिर हदीस के बैकग्राउंड में जाया जाए फिर इंसान सोचे अपने मंत को इस्तेमाल करके जो खुदा ने आ, हिडन हुज्जत इंसान को दी है अकल जिस पर फैसले करता है सही क्या गलत है फैसला कर ले कि ये वाक्य सही है या गलत है अगर वो सही है तो मौलाना अली की विरात का दामन थाम ले और बाकी हजरात को खुदा पे छोड़ दे कि वो आ, आ, जो उनसे करे जिससे करे हमें हमें उससे क्या है खुदा के मखलूक हैं लेकिन यह है कि कम अज़ कम अपनी जान बचाए कुरान जीद के सामने कहीं ये ऐसे ना हो कि वह खुदा मंद मताल के सामने लाजवाब होकर बैठा रहे वकीफ वकीफ हूँ इनको रोको इन न हूँ मसालूम इनसे सवाल हो जाएगा वो सवाल जो होगा उस सवाल के जवाब एक सवाल हो दूसरा सवाल हो लेकिन कम इसमें जो है सवाल होगा अगर ये हिस्सा है कुरान और पैगम्बर की तलीमत का सवाल होगा तो इसके बारे में गौरव फिक्र करें सोचें तो आगे चलते हैं अगर बात लंबी हुई हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ लेकिन ये बात आयत नंबर फिफ्टी सरह बकरा की और आयत नंबर तीन सराह मायदा की इस पर उसके जो हिस्सा है उस पर ग़ौर वफ़िक्र किया जाए तो इन बहुत सी बातें जो हैं, सी मुश्किलें हल हो जाएँगी ये कौन सी नमत है और ये कौन सा दिन है ये नमत मुकम्मल हुई है खुदांद मताले सारी चीज़ें रिसारतब तो हज़ूरली कोता फरमाई है लेकिन यहाँ को खास नियमत है पैगम्बर पर भी और उमत पर भी जिसका एलान हो रहा है गौरव फिक्र किए जाए तो इन रास्ते मिल सकते हैं हाँ अगर कोई आदमी अपने आबाओ अजदाद के दिन पर और सोच पर बाकी रहना चाहता है तो वो जाने उसको खुदा जाने आबाजाद की सोच पर बाकी रहना अगर वो सही हों तो सही है अगर वो गलत हों तो गलत है इसमें यह कोई दलील नहीं है कि आबाजा इसी तरह करते थे तो हम भी इसी तरह करेंगे तो भारत गौरव फिक्र करना जो है वह बहुत ज़रूरी है आगे शाहमीन ने फुरून वला तक तकफरून मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और मेरा शुक्रिया अदा करो नाफरमानी ना करो कैसे नाफरमानी करे इंसान और क्यों ना आपको याद करे एक एक लम्हा हमारा एक एक सांस हमारा उस जात की नियमतों पे डिपेंड करता है उसके रहमत पे डिपेंड करता है अगर सिर्फ़ हवा को इंसान देखे जो ले रहा है और मुंह से निकाल रहा है अगर ये सांस रुक जाए तो बस इंसान ख़त्म है ये सांस अभी तो दूसरी बात नहीं करते एक एक नेमत, एक एक नेमत। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते तो फिर हक पहुंचता है उसका कि हर सांस के साथ अगर याद हो सके तो याद किया जाए नहीं तो कम से कम उठते बैठते पहलू बदलते उसको याद किया जाए ये उसकी मेहरबानी है कि आज हम जिंदा हैं और उसकी मेहरबानी है उसकी नेमतें हम हासिल कर रहे हैं एक नेमत थोड़ी है हवा है पानी है सूरज की गर्मी है चांद की खुनकी है सितारों की रोशनी आ रही है कायनात पूरी हमारी खिदमत पर लगी हुई है उसने लगा दी है तो हमें उसका शुक्रगुजार उसको याद भी करना चाहिए और उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए उसकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए अगर उसकी नाफरमानी पर हल अगर हमने कर ली तो कोई हमें उसकी कुदरत उसके हाथ से उसके गज़ल से बचा नहीं सकता लेकिन इंसान हर वक़्त इसी सूरत हाल में रहे हमसे गर्दे हुई हैं तो इसे माफी चाहते हैं यानी खौफ भी रहे साथ बख्शिश की उम्मीद भी रहे और आहकाम पर चलता रहे इंसान अल्लाह के हुक्म पर चलता रहे इन नियमतों का तजकर फरमा के, के हुकमदिया की याद भी करो शुक्रिया भी अदा करो अब जहर है कि इन नमतों में इंसान सोचे कि कौन सी बड़ी नमत है सबसे बड़ी नमत जो रबालमीन की है वो इंसान मोमिन इंसान समझता है कि अल्लाह की हिदायत है और अल्लाह की हिदायत हमें मिली है अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में तो शुक्रिया का हर मरले पर अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करो साथ का भी शुक्रिया अदा करो मला यश्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों का शुक्रिया नहीं अदा करता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं करता हमें हुजूर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए इसलिए हम सलासलम हम हर नमाज के बाद सलम्के रसोल्ला सलाम कया नबी सलाम आज करते हैं बल्कि हर नमाज में सलाम आज करते हैं अतहियातो तशहत के बाद जो सलाम होता है पैगम्बर की खिदमत में पहले होता है अल्लाम नबी वरहत लिया वरक नमाज में सलाम कहते हैं ये सलाम इस बात का ये ये बात है यानी इस्लाम सलाम करने के पीछे बात ये है कि यारसोल्ला पे सलाम हो आपने हमें खुदा से मिला दिया रब्बालमीन से मिला दिया तेरी तादे में हम रब्बालमीन से बात करने के अहल हो गए ये उसकी अल्लाह व तआला की नेमत अव्वल और बाद में रसोल ग्रामी वसल्लम किया एहसान और फिर जब इस्लाम के अंदर तब्दीलियाँ लोग लाने लगे फिर अहतम को भी एहसान इसलिए वही फिर कहने वालों को जिनको शिया कहा जाता है वो एक एक जो है वो उम्मत मुस्लिमों का एक हिस्सा है वो ग्रोह उस वो हर नमाज के बाद अपना फ़र्ज समझता है अपनी ड्यूटी समझता है कि रसूल ग्रामीण की ख़िदमत सलाम आज करे और अम्मा हदा की खिदमत में सलाम आज करें कि जिन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो मेहनत और ज़ामतें उठा कर जो है मेहनत कर कर जामतें उठा कर ये दीन हम तक पहुँचाया है और उन सारे एमों में से फिर हम सबसे ज़्यादा जो सलाम पेश करते हैं वो मौला इमाम मुसीम की खिदमत पेश करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मौला ने बहुत अहम मोड़ पर बहुत मुश्किल मोड़ पर ये कुर्बानी देकर लोगों को सोचने पर मजबूर किया हमारे लिए ये रास्ता महफूज फरमाया जो उनके जद रसूलुल्लाह रसूल्ला तैाल से लेकर आए थे वरना आज शायद हलाल और हराम का कंसेप्ट कुछ और होता जिस तरह जो है वो यजीद के टाइम पर आकर वो तब्दीलियाँ शुरू हुई पहले से मगर जजीद के टाइम पर आकर वो पीक पर चली गई लोगों को परवाह ही नहीं थी नमाज़ को छोड़ना हराम हलाल सब जब जब खलीफा ये काम करने लगे तो फिर लोगों के लिए धरती खुली छुट्टी हो जाती है इस बात पर हुसैन मौलाम ने बहुत अहम मोड़ पर मुश्किल तरीन मोड़ पर जो है कुर्बानी देकर उम्मत दे मुस्लिमा को सही डायरेक्शन में लाने के लिए कुर्बानी दी है इसलिए हम उनको सलाम अर्ज़ करते हैं हर नमाज के बाद रसूल ग्राम की खिदमत भी सलाम अर्ज़ करते हैं पहले फिर तमाम अहम खिदम सलाम आवाज़ करते हैं बिलखसूस मौलान खिदमत सलाम आज करते हैं ये उनके शुक्रिया के तौर पर है कि जो उन्होंने हमें इस दीन को हमारे लिए महफूज फरमाया है मौजू सामीन आगे चलते हुए करम शाहिन मनु अमनुसीन बसब्र वसरा सब्र और नमाज से मदद तलब करो इन सबरीन बेश सा साब्रीन के साथ है बात चली इमामत की उलमा ने तफसीर में यही लिखा है मस मौलाना मौदूदी साहब ने लिखा है करम शाह पीर करम शाह साहब ने लिखा है हमारे उलमा ने तफसर नमूना वाले ने लिखा है दीगर उलमा ने जो तफासिर लिखी हैं उन्होंने लिखा है कि आप जब इमामत मिली है तो इमामत जो हैं ये ऐसे नहीं है कि बस आपको इमामत मिल गई है बस आपको हर चीज़ आपको मैसर आ गई है ये फूलों की सेज नहीं है यहाँ आपको मुश्किल तरीन मसाइल से भी दो चार होना पड़ेगा बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा तो उन मुसीबतों में साबित क़दम रहना और कामयाब होने का तरीका ये है यहाँ तो दो लफ्सों में बयान कर दिया एक सब्र और दूसरा नमाज ब्र एक ऐसी चीज़ है एक ऐसी सिफत है कि जिसको अदीस ने बयान फरमाया कि कर्रा से मिनल जसद तालबिल है वो सब्र करता है मेहनत करता है दूसरे लोग उसी की हम उम्र खेल रहे होते हैं वो मेहनत करता है कामयाब हो जाता है इसी तरह ज़िंदगी के दूसरे उमूर में एक आदमी किसी भी डायरेक्शन में मेहनत करता है यानी वो भी सब्र कासा है बंदा मोम हर रोज़ सुबह उठता है रात को जितनी देर से भी काम करके आए सोए सुबह उठता है नमाज़ पढ़ता है सब्र है रोज़ा रखता है सब्र है सब घर बार को छोड़कर हज पे चला जाता है सब्र है तो ये सब्र जो है वो ईमान का बहुत ज़रूरी हिस्सा है लेकिन इस सब्र को कभी कभी मिसयूज़ भी किया जाता है कि सब्र का मतलब ये है कि बस तुम हरकत न करो कोशिश न करो सब्र ही सब्र है नहीं नहीं, सब्र का मतलब यही है कि अगर कहीं रुकावट आती है उस रुकावट को दूर करने के रास्ते सोचे जाएँ तकलीफ़ ही क्यों न हो आगे बढ़ते जाओ आगे बढ़ने का नाम और सब्र के साथ आगे बढ़ने का नाम जो है वो ईमान है अब इस सबर का ये मतलब नहीं है कि आप अभी पिछले दिनों पिछले जुमा और ये लास्ट जुमा और पहला जुम्मा जो इना इन, इन, ने तमाम मकात फिक्र के वामा ने मिलकर जो हैं वो जुलूस निकाले तकरीबन पूरा पाकिस्तान जो है वह रोड पर था तो वो बाहर निकल आए नारे लगाए बहुत कुछ खर्च किया बहुत कुछ खर्च हुआ पब्लिक को साथ लिया तो ये नहीं कहा जा सकता कि आ, वो सब्र क्यों नहीं कर गए उनको खामोशी से सुन लेना चाहिए था टी वी पर आकर एक तकरीर कर देनी चाहिए थी वो क्यों बाहर निकल आए लोगों को क्यों बुलाया दो चार ऊलमा टी वी पर आकर तकरीर कर देते और कहते थे कि भाई जो तोहीन हुई है रसूल ग्रामी की वो गलत हुआ है आयन के ख़िलाफ़ है उसकी सजा ये है वो है लेकिन नहीं पूरे उम्मत के लोगों को बहराने के लिए कहा ख़ुद भी आगे आगे पेश पेशते और उसमें बिला इम्तियाज़ सारे फिर इस्लामिया के केलामा थे अब लोगों ने किसी ने उनको नहीं कहा तुमने बेसब्री की है यहाँ इस लफ्ज़ सब्र को मौला हुसैन के अज़ादारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है क़ुरान ने कहा है सब्र करो इन मबरीन ये सब्र की तलकिन जो है वो इसी तरह गलत है जिस तरह आप जो हैं वो उन उलमा को सब्र नहीं कर सक सबर की तलकिन नहीं कर सकते तमाम मजाब मिलत ने मुतफ़ के तौर पर जुलूस निकाला सबको सड़कों पर लाए ना देखा गर्मी है ना देखा सर्दी है सड़कों पर आ गए और उन्होंने अगर नारे भी लगाए अपने अंदाज से हर एक ने अपने अंदाज से जो है प्रोटेस्ट किया ज़रूरी था करना चाहिए था हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं हम उनके साथ हैं बल्कि आज तक हम ये दर्श दे रहे हैं कहीं भी पैगंबर और पैगंबर की आल की अगर तुम्हें आ, आ, देखो कि उन पर जुल्म हुआ है पैगंबर की जात पर जो है वो तोहन हुई है या पैगंबर की आल पर जुल्म हुई आ जाओ बाहर निकलो लोगों को इन्फॉर्म करो ये हमारे जुलूस ये हमारे मजालस यही पैगाम देने के लिए होती हैं कि लोगों अलमा पढ़ने वालों आपके रसूल के फर्जंद आपके रसूल के नवासा आपके रसूल के वारिस जिसको को पैगम्बर ने चलो और नहीं इमाम नहीं मानते लोग कम ये तो फरमाया है कि किसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ ये तो फरमाया न पैगम्बर ने कि जन्नत के जवानों के सरदार हुसैन है उस हुसैन को पैगम्बर के सिर्फ़ पचास साल बाद जब साहबा भी कुछ ज़िंदा थे ताब वो जो साहबा के शागिरद थे वो लोग जो हैं डायरेक्ट साहबा के शक़्स सब एक बहुत बड़ा मजमा था उन लोगों का जिन्होंने पैगम्बर से इस्तेफ़ा किया या पैगम्बर के साहबा से उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा जुल्म किया गया फिर उस जुल्म के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म जो किया गया चूँकि आजकल जो है सफ़र के आखिरी वह अशर ज़ैनबी कोनवान सेम खिताब फरमा रहे हैं उस उससे करबला से बड़ा ऐ कि पैगम्बर के निवासियों की, की तोहन की गई आखिर मुसलमान क्यों नहीं सोचता तो ये जो जुलूस हैं या जलसे हैं या सिसला है ये सिर्फ इसलिए है कि आ दुनिया कम अज़ कम दुनिया इस्लाम को इस ये बावर कराया जाए कि यहूदियों ने नहीं ने नहीं तुम्हारी तरफ से झुलम हो गया है यानी मुसलमानों की तरफ ओ गया है तो जो भी ालम है उनसे लाने बरात करो और यही मकसद है जैसे वलमा जिन्हें जुलूस निकाले हर अपने तरीके से निकला कोई नारे लगा रहा था उसने फ्लैग उठाए हुए थे कुछ जो है वो इसी तरह अभी मसर रबी लोबल आने वाली है अब हजूल वसम की खुशी में लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर कहीं बाजे के साथ कहीं किस तरह वो बाहर निकलेंगे और कुछ लोग नहीं निकलेंगे कुछ सीरत कान फ्रंट मुनदद करेंगे ज़ाहिर के सीरत कान से मुनदद करना कभी सन्नत नहीं वो भी हमने सोचा कि सीरत कॉन्फ्रेंस ने पैगंबर का पैगाम देने के लिए बेहतरीन तरीका सीरत कॉन्फ्रेंसें ने कुछ लोगों ने सोचा कि पैगंबर की जो है विलदत पे जुलूस निकाल कर जो हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जो हैं खुशी का इजहार करते हुए ये जो हैं वो पैगंबर के मिशन की खिदमत है और ठीक कर रहे हैं सोच जो हैं वो, आ, है वो सीरत कान्फ्रेंस से मुनकद की जाएँ या जुलूस निकाले जाएँ हम तो दोनों को दुरुस्त समझते हैं सीरत कानफ्रेंस भी होनी चाहिए जुलूस भी सीत जो है वो आ, 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 मीलाद के निकलने चाहिए लिजा अगर आप सब लोग इस पर इतफाक़ हैं तो इस पर भी इतफाक़ करो मौला मौलाम के एजहार गम के लिए उनकी मजलूमियत के इजहार के लिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए ये जुलूस निकलना मदत नहीं है इसमें शर्क हो जाओ अगर कोई आदमी गलती कर रहा है तुम समझते हो गलती वो ना करो लेकिन सारे मुसलमानों को सड़कों पर आ जाना चाहिए हुसैन मज़लूम है हुसैन मजलूम है यजीद और यजीद का टोला ालमों में से है ये गुफ्तु तो, तो सब्र के ख़िलाफ़ नहीं है बहरान सब्र बहुत अहम मनसर है तालीमात इस्लामी में जैसे कि मैं नजर किया और अल्लाह साबिर के साथ है अब इमामत का दर्जा लेना है तो मुश्किल आएँगी और आई आए हैं इम पर भी आई हैं उम्मत पर भी आई हैं और बिलखसूस उन लोगों पर तो ज़रूर आई हैं जो अपने इमामों के साथ खड़े थे या अली आंता व शै तो कहमुलफायजन एली आप और आपके शिया जिस पर भी तारीख़ मसलमिन में बनवाई और बनोए के दौर में कभी पता चल गया कि वह शीह है बिलखसूस बनवाइयों के दौर में हज के ख़िलाफ़ तो जो कुछ हुआ सो हुआ उनके फ़जाइल को छुपाया गया जो हदीसें छुप नहीं सकती थीं उनके सबके और लाहे के लगाए गए और ख़िलाफ़ हदीसें बनाई गई मतज़ाद हो गई हदीसें अब आदमी फ़ैसला करना मुश्किल है इन मतदा हदीसों में कौन से हदीस ले? लेकिन बहरहाल रास्ता मौजूद है शी की नस्बत मौलाम की तरफ जब हुई तो अब शी पर पहाड़ टूट पड़े बल्कि सलाम ने कई अशात फरमाया कि अगर कोई एक जगह शायद फरमाया कि आए मलकुल मौत तो उन्हें मेरे दोस्तों को पहचान लिया और एक एक को चुन कर लेती जा रही है और मुझसे अली को तन करते जा रही है और फरमाया कि मेरे जो मेरे साथ मोहब्बत करेगा उस पर मैं मतलब अज कर रहा हूँ उस पर पहाड़ मुसीबत के टूट पड़ेंगे और हुआ हो रहा है आज भी और ये फतवे ये सारी बातें इसी बात की जो वो है वो हम माजी करती हैं लेकिन नहीं अलहदुल्ल हम सब्र के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं और उस सब्र के नतीजे में आज अलहमदल दिन दिन जो है वो तरक्की करती जा रही है देखें आप ईरान uh, में तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90 परसेंट तक कम अज़ कम शिया हैं इराक़ में 65-70 परसेंट शिया हैं बहरैन में 80 परसेंट शिया हैं सऊदी अरब में भी वन थर्ड कम अज़ कम शिया है खसूसा जो तेल का इलाका है वह शीयों का इलाका है इसी तरह जो लबनान में हैं शाम में हैं तुर्की में हैं और आज मुहरम की वजह से आज सब चीज़ें सामने आ रही हैं यानी दुनिया इस्लाम में पाकिस्तान में हैं पच्चीस मिलियन हों या तीस मिलियन हो या, या बीस मिलियन हो तो भी वहाँ बहुत बड़ी एक अक्सरियत है और दिन ब दिन जो बढ़ते जा रही है लोगों को पता है लोग जानते हैं कि एक गांव जिसमें कोई शिया नहीं था उसमें एक शिया हुआ और गांव पूरे का पूरा या तो शिया हो गया है या निसफ़ से ज़्यादा शिया हो गया है इस तरह ये हो रहा है सिलसिला जारी है जिस जिस को पता चलता है कि मौना हुसैन सलाम के मजलूमियत के कैंप जो हैं उसमें ये लोग हैं और वो लोग जो िम हैं वो यजीद और यजीद को खलीफा बनाने वाले के कैंप में हैं भाइड हो जाते हैं है। कि हम यजीद और यजीद को खलीफा बनाने वाले के साथ खड़े नहीं हो सकते और उलमा जो यजीद और यजीद को खलीफा बनाने वाले के साथ खड़े हुए हैं यजीद के साथ कुछ लोग इनकार करते हैं लेकिन यजीद को खलीफा बनाने वाले के साथ खड़े हुए हैं तो खुद ब खुद पब्लिक सोचती है कि ये उलमा तो शायद इनका अपने की मकसद होगा लेकिन कम अज़ कम हमें इनकी वजह से अपने आप को जहन्नम में नहीं डालना चाहिए लिहाजा वो हैंड्स अप होकर छोड़ कर जो हैं वो मौला हुसैन के कैंप को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं और करना भी चाहिए ज़ाहिर है कि मौला हुसैन का कैंप जो है वो किसी बंदे का नहीं है बल्कि पैगम्बर अक्रम का कैंप है जिसमें पैगम्बर ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ हुसैन मुझसे है हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ तो ये बातें सारी इसलिए हैं कि जो मेरे हुसैन के करीब आ गया वो मेरे करीब आ गया है तो बहरहाल इसके बाद फ़ौर जब सब्र की कुछ तलकिन फरमाई तो कुरान में फरमा दिया वला तक़ूलमयरफी सबीबा बलियाओं वाल तशरन अरे जो कत्ल हो गए हैं राय खुदा में उनको मुर्दा न कहो वो ज़िंदा हैं तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शूर नहीं है यानी अभी सब्र की तलकिन फरमाई और नमाज़ की चलिए इसमें मैं अगले प्रोग्राम में अर्ज़ करूँगा नमाज की तलकिन फरमाई सब्र हर चीज़ में सब्र करना पड़ता है नमाज में भी सब्र करना पड़ता है आसान काम नहीं है जैसे मैंने अर्ज़ किया है लेकिन नमाज की ख़ास बात यह है कि एक आदमी जब अपने आप को रब्बुल आलमीन से हम कलाम कर देता है और वो अपनी मुश्किल ख़ुदा के सामने रख देता है तो उसको तसली तो हो जाती है कि इन आलाशन कदीर ख़ुदा हर चीज़ पर का दे है जब मैंने अर्ज़ कर दी है उसी ने मुश्किल हल करनी है वही मेरी मुश्किल हल करने वाला तो बात मतम हो जाता है उसके दिल को इतमिनान नसीब हो जाता है नमाज रबालमीन से हम कलाम होना है बदब्त हैं वो लोग जो नमाज छोड़ देते हैं जानबूझ कर इसलिए कि खुदा से कलाम करने से महरूम हो जाते हैं और अपने आप को खुदा से दूर कर लेते हैं ये बात बहुत गलत है कौन है जो अपने महबूब से बातें नहीं करना चाहता अगर तुम्हें खुदा से मोहब्बत है तो पैगम्बर अक्रम की तरह नमाज को कायम रखो हज़ूर ने फरमाया या बरहना या बिलाल बिलाल हमें खुश कीजिए अजान दो और मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाऊँ कौन मुहिब है जो अपने महबूब से बातें नहीं करना चाहता तो नमाज रबुलमीन से बातें हैं वो है आदमी जो नमाज छोड़ देता है और नमाज से हम कोई नहीं कम से कम वो लोग जो हया अमल कहते हैं वो उनको नमाज नहीं छोड़नी चाहिए इसलिए कि बेहतरीन अमल नमाज बेहतरीन अमल नमाज हया अला अमल कहने वालों को कभी भी नमाज़ तर्क नहीं करनी चाहिए कहीं मजबूरी आ जाए ऐसी मजबूरी कि जिसमें वो मजबूरियाँ मसायल फ़िक्र में मौजूद हैं तो लेकिन फौरन कज़ा करे नहीं जाग नहीं सका मसलन थका हुआ था सो गया पढ़ने की नीयत थी नहीं जाग सका लेकिन नमाज नहीं छोड़नी चाहिए ये हया अला अमल है ये जो हया अला अमल कहता है उसकी नमाज़ नहीं छोड़नी चाहिए और बड़ी मोहब्बत से पढ़नी चाहिए नमाज को बोझ भी नहीं समझना चाहिए बल्कि मोहब्बत से पढ़ना चाहिए पढ़ने का मतलब खुदा से कलाम करनी चाहिए तो जब आदमी सब्र करे मुसीबत पर और खुदा के लिए जहर के सब्र भी करेगा दूसरा ये है कि जब वो नमाज़ खुदा से राबता कैम कर लेगा तो है कि उसकी बहुत सी मुश्किल जो हैं वो खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। अगर मुश्किल आएँगी भी सही तो भी उसके लिए बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा मुझे मिला है मैंने तफसीर नमूना में पढ़ा है कि मौला कानात को जब कोई मुश्किल पेश आती थी तो दो रकत नमाज की तिलावत नमाज़ पढ़ते थे और उसके बाद रबालमीन से आज़ करते बरल मैंने जो तूने फरमाया मैंने कर दिया है मुश्किल तरीन मराहल में मौल कायनात भी नमाज की पनाह लिया करते थे यानी नमाज में पनाह लिया करते थे नमाज पढ़ा करते थे तो आप भी एक तो वाजिब हर रोज़ का ताल्लुक है खुदांद मताल के साथ उसको भी कायम रखिए हर रोज़ का ताल्लुक है खुदा मंद मताल के साथ इसलिए हर रोज़ उसकी नीमते खाते हैं हर रोज़ उसके जो हैं वो हिफ्स ईमान में हैं तो हर रोज़ उससे रबत रहना चाहिए पंजगाना नमाज़ हर रोज़ कराबा है लेकिन अगर कहीं भी मुश्किल आ जाए वहाँ भी अली सलाम की सुन्नत में दौड़ का नमाज़ पढ़ें रबीन से दुआ मांगें कि अली ला तेरे अली ने हमें यह सिखाया है कि मुश्किल के वक्त जो है वह नमाज़ पढ़ा करो मैं भी पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ा करो वो नमाज कज़ाए हाजत के लिए है वो नमाज इंसान को हाजत के पूरा करने के लिए पढ़नी चाहिए सुनत गुरबत लगनी से पढ़नी चाहिए तो नमाज़ से मदद कैसे हासिल होती है ये नहीं कि ख़ुद ब खुद खुँँ नमाज हमें दोस्त उसका देती है नमाज रबालमीन से रबता कैम हो जाता है जब कायनात के रब से रबता कायम हो जाए तो मसाइल के हल होने में तखिर नहीं होती तो आपसे गुजारिश है कि आ, सामीन से अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो कोई ऐसा लफ्स मैंने कह दिया हो जो आपके लिए ग्रां गुज़रा हो आपकी तबीयतों पर आपसे माजरा चाहता हूँ आप मैं आपके लिए दुआ करता हूँ आप मेरे लिए दुआ करें कि हमें क़ुरान मजीद के पढ़ने और सुनने और समझने वाले और उन पर अमल करने वालों में से शुमार कर ले और कुरान मजीद ने इशारे फ़रमाए हैं रबालमीन हमें समझने की तौफीक इनायत फरमाए हमारे दिमाग को मनवर फरमाए और तमाम उम्म मुसलम को तोफीक दे कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है हर बंदे में ये अहलियत नहीं आई कि वह इसको समझे और समझा सके उन लोगों के पास जाए रजूर का इलम जिनकी तरफ़ डायरेक्ट मुंतकिल हुआ है और वह हैं और औलादी वसम और मैं समझता हूँ बहुत आसान है लोग कभी मुश्किल पड़ जाते हैं उनके उनके फ़जाल में हदीस है उनके फ़जाल में हदीस है मैं एक जुमला रोज़ाना दोहराया करूँगा और उस पर गौर कीजिएगा मुमकिन है कि वो बात हल हो जाए एक शख्स ऐसा है पैगम्बर के पास पैगम्बर के बाद कि तमाम उम्म उनके फ़जाइल पर मुतफिक है तमाम उम्म उन पर मुतफिक है सुन्नी हूँ या शिया हूँ यानी किसी के बारे में इख्तिलाफ़ दूसरों के बारे में हो सकता है अली वो ज़ात है कि जिनके बारे में जिस पर सारी उम्मत जमा है खब वो चौथा खलीफा समझे, खब वो पहला इमाम समझे, लेकिन एक वो ज़ात है पैगम्बर के बाद जिस पर तमाम उम्मत जमा है अब अगर हबल्लाबी तलेब को कहा जाए और पैगम्बर में फरमाया व तस्म बेहब ल जमीओ वाला तफर रखू अली की मोहब्बत को थाम लो मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि अली करना शुरू कर दो बल्कि अली की तरफ़ से जो सुनत रसूल आपके मिले वो ले लो तलाश करो किन किताबों में है किसके पास है कुछ किताबें तो ऐसी हैं जो बहुत मशहूर हैं सही उनमें अली अलीसम के तरफ से कुछ सुन्नत नहीं मिलती बल्कि वो जो दो ढाई साल हुए थे मुसलमानों से ज़्यादा जो हैं वो रिवायत हैं क्यों नहीं उस अली से पूछते कि जो पैदा होते ही पैगम्बर की कस्टडी में चला गया और जिसकी तरबियत नबु रिसालत एलान रसालस से पहले भी हजूर निर्शात तरबियत फरमाई बाद में पैगम्बर के साथ साथ रहा और हर मरले पर पैगम्बर ज़रतली को सरदार बनाते थे तो ये बड़ी सिंपल सी बात है अगर इसमें इंसान गौरव फिक्र करे तो मसले आसान हो जाएंगे सिर्फ़ इतनी सी बात फिर दोबारा मैं इसको रिपीट करता हूँ कि दूसरों से हम नहीं कहते कि आप जो हैं वो आ, हम कहते हैं कि अगर आपको सही मानों में पैगम्बर की सोनन लेनी है तोल्लाम और मौला हसनसैन जो अली के घर मौला हज़ू के घर में पैदा हुए जिनकी तरबियत हजूर ने फरमाईम हजूर ने दिया मौलाम में तरबियत फरमाईम मौलाम ने दिया जैसे अंदाज से भी तो इनसे क्यों नहीं हदीसी लेते वूजू पूछना है तो इनसे पूछो आपके नाना बूजू कैसे करते करते थे अगर नमाज पूछनी है तो इनसे पूछो आपके नाना जान नमाज कैसे पढ़ते थे दूसरे सहाबक्राम की तोहन नहीं होगी बल्कि आप अपनी असलाह कर लेंगे पैगम्बर खुश हो जाएंगे अल्लाह से बना खुश हो जाएगा अल्लाह तला से ते इल्तजा है कि वो आपकी मदद करे हमारी मदद करे हमारे अंदर इलमी अमली कमज़ोरियाँ दूर फरमाए आपके अंदर कोई और अमली कमज़ोरियों खुदा दूर फरमाए उम्मत मुस्लिमों पर अल्लाहम फरमाए उनके हालात जो काबिल रहम हैं खुदा उन पर अपने हबीब के सदके में रहम फरमा ये अख्तिलाफ़ व तशद दूर फरमा इनके अंदर इतिहाद पैदा फरमा और उन पर जो मुसीबत नाजिल हो रही हैं दुश्मन इस्लाम की तरफ़ से उसको दूर फरमा